देखिए, एक्सेल में एक बहुत ही कॉमन सवाल है और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। अगर आप इंटरव्यूज में जाते हैं तो वहां पर भी पूछा जाएगा आपसे। आपको इस तरह का एक सिचुएशन दिया जाएगा, जैसे 100 है, ठीक है। एक्सेल में फॉर्मूला तो इक्वल टू के निशान से ही लगता है, 100/10 करेंगे तो जाहिर से बात है यहाँ पे आंसर आएगा 10। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से ट्विस्ट है। देखिए, 100/10/2 इसका आंसर क्या आएगा? तो ये जो है ना, ये ट्विस्ट वाली बात है। तो यहां पर जैसे ही एंटर करते हैं तो यहां 5 आएगा, ठीक है। अब क्यों 5 आएगा, जरा सा इसको समझते हैं। 100/10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 100/10 का आंसर आएगा, क्या आएगा जरा बताइए। 100/10 का आंसर आएगा 10, ठीक है। लेकिन 100/10/2 कर देंगे तो यहां पर आंसर आएगा 5। देख सकते हैं, यहां देखिए, यहां पे आंसर भी शो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहां पे 100/10 को मैं सेलेक्ट करता हूं, यहां पे ऊपर 10 शो कर रहा है। क्योंकि अगर 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आंसर आएगा। लेकिन फिर जब 10 आंसर आएगा तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलिए, ये तो एक रहा, एक दूसरा देखते हैं। यहां पर 200 लिखते हैं, ठीक है। तो ये लिखा 200/2, ठीक है। फिर अपॉन 2 किया, यानी दो बार अपॉन 2 किया। तो ऐसी स्थिति में देखिए, 200 को 2 से भाग देते हैं तो 100 आता है, और 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा। तो यहां पर 50 आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं तो यहां पर 50 आ भी रहा है, देख सकते हैं ना। तो आपको आंसर बिल्कुल इसी तरीके से देना है, इसी वे में देना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके।